हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ग्रुप डी के आंसर की के लिंक दिया हुआ वो क्रैश हो गया है, तो किस तरह से ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ मैं डिटेल्स में बताऊँगा। आप लोग किस तरह से इसका जो नेक्स्ट में क्या करेंगे, आपका इसमें इसका बात क्या करेंगे, इसका भी डिटेल मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत सारे जो कि यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे एक साथ लॉगिन कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे जो कि ये लिंक जो है क्रैश हो गया है। तो इसके लिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया अपडेट जो कि आ गया है NDTV के ऑफिशियल पेज में, जिसमें लिखा हुआ है RRB ग्रुप डी आंसर की पब्लिश डाउनलोड लिंक क्रैशेज। तो दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो लिंक है, आप लोग सभी जानते हैं कि कल ओपन हो गया था, 9 PM से ओपन हो गया है, जिसमें से बहुत सारे जो कि कैंडिडेट आपका उसका आंसर की यहाँ पे डाउनलोड कर लिया था। और बहुत सारे मैं खुद ही मेरा बहुत सारे फ्रेंड के जो आंसर की है वो सब डाउनलोड करके मैं देख लिया था। तो दोस्तों, यहाँ पे उसका कुछ ही देर बाद 12 के बाद ही यहाँ पर आपका जो लिंक है वो क्रैश हो गया था। वहाँ पे और कुछ भी नहीं आ रहा था, वहाँ पे कोई भी और लॉगिंग नहीं हो रहा था, जिसके लिए यहाँ पे आज सुबह ही इसका जो इस पेपर में यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका क्या क्या हुआ था, क्या किस वजह से ये जो लिंक है यहाँ पे क्रैश हो गया था, उसका मैं किस तरह से ये क्रैश हुआ है, क्या क्या बात हुआ है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में बता दिया गया है इस पेपर में। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग सभी जानते हैं कि एक लिंक पे बहुत सारे अगर एक ही टाइम में अगर बहुत सारे कैंडिडेट अगर लॉगिन करते हैं तो वो लिंक जो कि है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। उसी तरफ से यहाँ पर आप लोग सभी जानते हैं 1.9 करोड़ जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई किए थे, अप्रोक्स 1 करोड़ लोग जो कि एक ही टाइम में यहाँ पे लॉगिंग कर रहे थे, जिसके लिए यहाँ पे वो रिस्पॉन्डिंग करना बंद कर दिया था। तो दोस्तों, इसीलिए इसका जो मेन रीज़न रहा है कि एक ही टाइम में बहुत सारे जो लोग यहाँ पे लॉगिंग कर रहे थे, जिसके वजह से यहाँ पे इसका जो लिंक है वो क्रैश हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12 January जब मतलब 12 PM के बाद ही ये जो पोस्ट है यहाँ पर निकला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे और भी जो कि लिखा हुआ है कि RRB ऑफिशियल हायरिंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज हैज़ रिलीज द आंसर क्री फॉर वन ऑफ लार्जेस्ट एग्जाम इन कंडक्टेड लास्ट ईयर फॉर मोर देन 1.99 करोड़ कैंडिडेट। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 1.9 करोड़ कैंडिडेट जो कि यहाँ पे अप्लाई किए थे एंड जो आंसर की थे उसका जो लॉगिंग कर रहे थे, इस तरह की जो बहुत सारे कैंडिडेट जो एक ही टाइम में लॉगिंग कर रहे थे, इसके वजह से जो इसका आईडी था या इसका जो लिंक था वो बहुत ही स्लो हो गया एंड क्रैश हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है कि इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से आपका फिर से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और क्या क्या डिटेल दिया उसको भी यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आंसर की फॉर ऑलमोस्ट 1 month द डायरेक्ट लिंक ऑफ द सेम स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू मेनी यूज़र आर कॉन्डक्ट प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर फ्यू मिनट। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जो लोग यहाँ पे लॉगिन कर रहे थे, जिसके लिए उन लोगों के लिए नहीं हो रहा था, उसके बाद वहाँ पे बोला गया कि प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर फ्यू मिनट, पर उसके भी बाद यहाँ पे जो आपका लॉगिंग है वो भी नहीं हो रहा था, जिसके लिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे थे, वो लोग नहीं देख पा रहे थे अब उसका जो आंसर की ओर नहीं देख पा रहे थे, डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, तो जिसके लिए यहाँ पे वो जो लिंक है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया गया है। तो RRB के तरफ से एक ही बात यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे द लिंक व्हिच इज नॉट वर्किंग। जो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बोला गया कि द लिंक व्हिच इज नॉट वर्किंग नाउ, तो जो लिंक दिया गया वो वर्किंग नहीं हो रहा है अभी तक। इसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया कैन बी यूज्ड फॉर टू पर्पज, टू चेक RRB ग्रुप डी आंसर की एंड टू राइज ऑब्जेक्शन टू प्रीलिमिनरी कीज प्रिपेयर्ड बाई द बोर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कि बोला गया था प्रीलिमिनरी एग्जाम की जो कीज है प्रिपेयर कर दिया गया था आंसर की के, उसका वो आंसर की के कुछ ही दिन
के बाद ही आपका जो ऑब्जेक्शन है आप लोग कर पा रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया है कि 14 जनवरी 2019 से 19 जनवरी 2019 तक आपका जो ऑब्जेक्शन है आप लोग कर सकते थे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग यहाँ इस डेट में आपका जो ऑब्जेक्शन था वो कर सकते। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो क्रैश हो गया था, इस क्रैश हो गया इसका लिंक, इसके वजह से ये भी लेट करके देंगे, इसका डेट भी लेट हो जाएगा। तो दोस्तों उसके पहले भी यहाँ पे कुछ और भी बोला गया, जिसके यहाँ पे बोला गया कि द RRB ग्रुप डी आंसर की रिलीज टुडे वाज हेल्ड फ्रॉम सितंबर 17, 2018 टू दिसंबर 17, 2019। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम था सितंबर के 17 से और दिसंबर के 17 तक इसका एग्ज़ाम हुआ था। 60,000 पोस्ट इंडियन रेलवे कंट्री लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, तो सबसे बड़ा जो एम्प्लॉय हो रहा था इस जॉब के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका जो दिया हुआ है कि यहाँ पे टू मेनी यूज़र कॉन्डक्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे टू मेनी जो कैंडिडेट यहाँ पे लॉगिंग कर रहे थे, इसके लिए यहाँ पे इसका जो लिंक है वो बंद हो गया है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे और भी बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट टू अटेंडेंस इन द एग्जाम वॉज मोर 60%, विच मेक टू टोटल नंबर कैंडिडेट हु आर ट्राइंग टू एक्सेस द ग्रुप डी आंसर की मोर देन 1 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे एक ही लिंक पे, जिसके वजह से इसका जो लिंक है वो यहाँ पे क्रैश हो गया है, वो रिस्पॉन्डिंग नहीं कर रहा है अभी तक के लिए, वो बंद हो गया है। जिसके लिए दोस्तों यहाँ पे RRB के से बहुत जल्दी एक अपडेट लिखेंगे कि किस तरह से फिर से आपका जो आंसर की है वो आप देख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे और भी बोला गया कि ग्रुप डी के आंसर की हैज़ बीन रिलीज इन सिंगल लॉगिंग लिंक ऑफ RRB होस्टेड एट RRB वेबसाइट। तो दोस्तों यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो कि हुआ था कि एक लिंक दिया गया था RRB के तरफ से, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से जो जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई किए थे वो लोग एक ही लिंक पे यहाँ पे अप्लाई एक्सेस कर रहे थे आपका उसका जो आंसर किया देखने के लिए। तो इसके लिए एक ही प्रॉब्लम हुआ था कि एक ही लिंक पे बहुत सारे जो कर रहे थे, इसके लिए ही इसका जो मेन रीज़न रहा है। तो दोस्तों अगर RRB के तरफ से ये लिंक को हर कोई रीजन के लिए, इंडिया के हर कोई रीजन के लिए अगर अलग कर देता तो ये जो मुसीबत आई है वो नहीं आता। तो इसके लिए RRB भी फिर से एक अपडेट लिखा लेके आएंगे कि RRB ले बोला गया कि जो जो रीजन है ऑल ओवर इंडिया में, उस सभी रीजन के अलग से फिर से एक लिंक दिया जाएगा, जिस लिंक को आप ओपन करके आपका रीजन के आपका जो आंसर किया आप देख पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए ही ये जो अपडेट वो फिर से यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों और भी बोला गया है कि जो लोग यहाँ पर आंसर की देख रहे हैं उसके कुछ ही दिन में, जो कि 14 जनवरी से 19 जनवरी तक ऑब्जेक्शन डेट था, उसको भी लेट से या उसको भी चेंज करके फिर से दिया जाएगा, जिसको आप लोग फिर से आपका जो ऑब्जेक्शन है आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो लोग आंसर की देख पाए, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट जो लोग नहीं देख पाए, जिसके लिए ये जो लिंक है फिर से ओपन कर दिया जाएगा। इसके लिए और भी यहाँ पे डिटेल्स बोला गया कि विद द रिलीज ऑफ RRB ग्रुप डी आंसर की रिलीज द कैंडिडेट विल बी एबल टू क्रॉस चेक द आंसर की हैड एंटर व्हाइल अपीयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विच हेल्ड 400 सेंटर अक्रॉस द इंडिया। तो दोस्तों 400 सेंटर अक्रॉस द इंडिया कंप्यूटर टेस्ट जो हुआ था, इसका ही डिटेल यहाँ पे बोला गया। बहुत सारे लोग ऐसा थे कि ट्वीट कर करके यहाँ पे बोला गया कि लिंक नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेनी यूज़र, इस तरह से बहुत सारे कॉमेंट भी कर रहे थे, जिसके लिए आप लोग देख सकते 11 PM 11:48 PM जो कि कल ही रात में ये सब ट्वीट यहाँ पे हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए मेरे चैनल पे आप लोग जुड़े रहे कि जो जो अपडेट लेके RRB की तरफ से आएगा, मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप लोग देखते रहेंगे। उसके साथ साथ आपका जो PT फिजिकल टेस्ट के लिए भी आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो आंसर किया वो फिर से बहुत जल्दी आ जाएगा, उसका भी अपडेट बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो। इसके साथ साथ मैं अगर कोई भी और भी डिटेल अगर आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आता है तो आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को।